हेलो एवरीवन, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस गुड लाइफ में। आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे, खुश होंगे। सुबह का टाइम है और आज मैं बना रही हूँ मशरूम की सब्ज़ी। तो मशरूम आए थे कल और एकदम फ्रेश फ्रेश मशरूम है। इनका ये है कि एक दो दिन रख देते हैं ना तो फिर वो पुराने पुराने से होके ना इतना टेस्टी नहीं बनते और कलर भी बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो इनको मैं साथ साथ ही बना रही हूँ, कल आए थे तो आज इनको बना दूँगी। और आजकल मशरूम का सीज़न चल रहा है, बहुत बढ़िया से मशरूम आ रहे हैं। इनको बहुत ज़्यादा पसंद है मशरूम की सब्ज़ी, बच्चे भी खा लेते हैं, ऐसा नहीं कि बच्चे नहीं खाते हैं। इनको भी पसंद है, श्रेय को इतना ज़्यादा पसंद नहीं है लेकिन खा लेता है। और वैसे भी श्रेय का तो एग्ज़ाम है तो वो तो स्कूल जा चुका है, कॉलेज। आज मैं थोड़ा सा लेट ही बना रही हूँ तो उसको तो नहीं खानी है। और वैसे भी श्रेय की तबीयत थोड़ी सी ख़राब चल रही है तो उसको जो है ऐसा खाना खाना भी नहीं है। यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, मटर भी फ्रेश ही थे तो उनको भी थोड़ा सा टाइम लगता है। इनको मैंने दोनों चीज़ों को ना एक जगह ही मिक्स करके और दो सीटी लगवा ली हैं कुकर में। उससे क्या होगा कि जल्दी मेरी सब्ज़ी बन जाएगी। कढ़ाई में मैंने सरसों का तेल गरम किया है और उसको थोड़ा सा मैंने ठंडे होने दिया है फिर धुआं निकलने के बाद। इससे क्या होता है, जो इसका तीखापन होता है ना सरसों के तेल का, वो निकल जाता है, फिर इसकी स्मेल नहीं आती। तो बस यहाँ पे जीरा हींग डालते ही तेल में हो ही जाता है क्योंकि तेल गरम रहता है। और फिर मैंने इसमें चॉप की हुई ये अनियन डाल दी है और यहाँ पर मैंने दो अनियन ली हैं। थोड़ी सी ज़्यादा मैं ले रही हूँ आज क्योंकि मशरूम मसाला बना रही हूँ तो इसमें ना थोड़ा सा मसाला ज़्यादा ही जाता है, तो इसलिए मैंने बड़े साइज़ की दो प्याज हैं जिनको मैंने चॉप कर लिया था। अब इसको मुझे गोल्डन सा होने तक यहाँ पे भून लेना है। अब मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। शायद वो मिस हो गई है क्लिप, दिख नहीं पाए क्योंकि तड़का जितनी देर में होता है उतना अगर रिकॉर्ड करें तो बहुत बड़ा जो है रेसिपी हो जाती है, बड़ा व्लॉग इस तरीके से हो जाता है धीरे धीरे करके। तो यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट डाला था, वो भी हो गया है। अब मैंने इसमें डाल दिए सूखे मसाले, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और कश्मीरी रेड चिली पाउडर, जो कि कलर वाली होती है मिर्ची। वो ज़्यादा तीखी नहीं होती है, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। और जो तीखी मिर्ची होती है वो मैं ग्रीन यूज़ करती हूँ। ग्रीन चिली मैंने टमाटर के साथ पीस ली थी, जो टमाटर का पेस्ट मैंने यहाँ पे ऐड किया है। अब मैं इसको करूँगी अच्छे से मिक्स और इसमें जाएगा सॉल्ट टेस्ट के हिसाब से और फिर इसको कवर करके छोड़ दूँगी पकने के लिए। मशरूम की सब्ज़ी जब हम बनाते हैं ना, अगर हम कच्चा मशरूम की सब्ज़ी बना रहे हैं, मटर भी कच्चे लिए हैं, तो उसमें टाइम लगता है, मतलब बिना बॉयल के लिए, या फिर फ्रोजन मटर हो तब भी जल्दी हो जाता है। तो फ्रेश मटर ही थे और दोनों चीज़ों को मैंने बॉयल कर लिया है। यहाँ पे हमारा मसाला भी अच्छे से भुन गया है, ऑयल सेपरेट हो गया है। टमाटर भी थोड़ा उसी हिसाब से लिए हैं जितना भी मुझे जो है मेरी सब्ज़ी है जिस हिसाब से मुझे ग्रेवी रखनी है। तो यहाँ पे देखिए मसाला बहुत अच्छे से भुन गया है, कलर भी बहुत ही अच्छा आया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी गरम मसाला। गरम मसाला डालने के बाद थोड़ा सा इसको और मैं भून लूँगी और कुछ भी मसाला मैंने इसमें ऐड नहीं किया, सिंपल मसाले के साथ मैं बना रही हूँ। आप चाहें तो इसमें खड़े मसाले भी कुछ यूज़ कर सकते हैं लेकिन मैंने नहीं किया। और ये देखिए ऑयल एकदम सेपरेट हो गया है साइड में। यहाँ पे मैंने इसमें थोड़ा सा लिया है दूध और थोड़ी सी ली है मलाई, दोनों को फैट के इसमें डाल दिया है क्योंकि मेरे पास ना मलाई कल की नहीं थी, वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है। और ये जो दूध की ताज़ी मलाई दूध के ऊपर से मैंने निकाली है ना तो उसको मुझे दूध में चलाना पड़ा थोड़ा सा, वो थोड़ी सी हार्ड रहती है फ्रिज में रखने के बाद, क्योंकि कल मैंने मक्खन निकाल लिया था, मतलब मलाई से घी बना लिया था तो इसलिए मलाई नहीं थी। इससे क्या होता है कि थोड़ा सा सब्ज़ी क्रीमी बन जाती है। आप चाहें तो अपनी क्रीम डाल सकते हैं, जो आपके पास फ्रेश क्रीम रखी हो वो डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास तो क्रीम होती नहीं है, मैं मलाई से ही क्रीम का काम कर लेती हूँ। और ये बॉयल किए हुए मैंने इसमें मशरूम और मटर डाल दिए हैं, ये देखिए इससे एक बॉयल आएगा और सब्जी हमारी जैसे ही बॉयल आएगा तो हो जाएगी तैयार। ग्रेवी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, जैसी भी कंसिस्टेंसी आपको रखनी है थिक थिन उसी के हिसाब से। और यहाँ पे मुझे ये बिल्कुल परफेक्ट लग रही है, थोड़ा सा इसको मैं और पकाऊंगी क्योंकि कोई भी हम ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाते हैं ना तो थोड़ी देर बाद वो थिक होने लगती है। तो अभी थोड़ा सा और पक रही है जब तक मैं अपना आटा वगैरह लगा लेती हूँ और आटा लगा के रख दूँगी 5 से 10 मिनट के लिए, तो फिर रोटियाँ ना बहुत अच्छी बनती हैं। आज थोड़ा सा मैं लेट बना रही हूँ खाना सुबह का, मतलब इतनी जल्दी नहीं बना रही हूँ, जैसे मैं 9 बजे तक बना लेती हूँ। ये ऑफ़िस जाते हैं, ये ऑफ़िस जा चुके हैं, इन्होंने इनका जो लंच है ना आज अंश देने जाएगा। और वो क्यों है वजह मैं आपको बता देती हूँ। आज आई है मेरी ननद, मेरी सिस्टर इन लॉ, जो कि
जून के महीने में आती ही हैं, जो मुझे पहले से देखते हैं तो उनको तो पता ही होगा। तो जून का महीना शुरू हो गया है और सभी की बच्चों की छुट्टियां पड़ गई हैं, तो दीदी आई हैं। और दीदी ना अर्ली मॉर्निंग आ जाती हैं, 8:30-9 तक आ गई थी। ये भी मिलके चले गए हैं इनसे, और इसीलिए फिर मैंने भी बहुत जल्दी खाना नहीं बनाया था। तो यहाँ पे सब्ज़ी मेरी रेडी हो गई है, यहाँ पे मैं रख लेती हूँ तवा और सबको फिर साथ साथ ही खाना खिला देंगे। उसके बाद मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, ना आपको दीदी से मिलाया। दीदी आई है, अश्विन आया है, दीदी का बेटा, और ये काफ़ी छोटा है। इनकी बड़ी बेटी है रिया, जो कि श्रेय के साथ की है, तो उसकी तो छुट्टियां नहीं है, वो हॉस्टल में है, वो MBA कर रही है, तो इसलिए वो नहीं आ पाई। तो बस यहाँ पे अश्विन और दीदी दोनों आए हैं। अब हम दोपहर में बैठे हैं ये काम करने के लिए, फिर शाम को आज मैं शॉप पे जाऊंगी, क्योंकि सुबह तो मैं नहीं गई, दीदी आई थी। तो बातों में हमारा टाइम ऐसे निकल गया कि मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, और पता नहीं इतना टाइम कैसे हो गया। देखो, जब कोई आता है ना घर में तो अच्छा भी नहीं लगता कि हम बिल्कुल सेम अपना वही पहले जैसा रूटीन रखे, उनके पास बैठे ना बातें ना करें। मेरी ऐसी आदत है नहीं, तो मैं अपना काम भी छोड़ देती हूँ, भूल जाती हूँ काम करना भी। तो खूब सारी हमारी बातें हुई, और बस फिर वही अपना काम वाम मैंने ख़त्म किया। बर्तन दीदी थोड़ा सा लेट गई थी, सो गई थी, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग उठी होंगी, जल्दी निकली थी कि सुबह सुबह मैं आ जाऊँगी। दीदी बोलती है ना कि फिर विपिन ना ऑफिस चला जाएगा, तो अपने भाई से मिलने का मन सभी का होता है, तो बस भाई से मिलने के लिए जल्दी आ जाती हैं, नहीं तो फिर शाम को ही मिलना होता है। तो ये भी जो है मिलके ऑफिस चले गए थे। बस फिर मैं खाने वाने में लग गई। तो जी अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं तो छील रही हूँ करेले, क्योंकि आज करेले रखे मैं कई दिनों के, और हमेशा ऐसे ही होता है। पापा बोल रहे थे कि भरवा करेले बनाना, लेकिन ये करेले बहुत बड़े साइज़ के हैं। दीदी भी मना करने लगी कि नहीं, इनके भरवा नहीं बनेंगे, बहुत ज़्यादा ऑयल चाहिएगा, और करेले भी 1 kg हैं और बड़े बड़े हैं। तो ये इनको मैं छील के रखती हूँ और तैयारी कर लेती हूँ। इनको मैं अभी दोपहर में ही ना, मतलब 4 बजे से पहले बना के जाऊँगी शॉप पर। हालांकि 4 तक नहीं बनेंगे, 5 तक भी बनेंगे, तो ये सारा काम मैं करूँगी। दीदी यहाँ पे कच्चे आम जो होते हैं ना, वो छील रही हैं, करेले में भी काम आएंगे, और जो एक्स्ट्रा हैं उनको मैं मीठी चटनी बना के रख दूँगी। जो आम की लोंजी मैंने पहले बनाई थी, आपके साथ शेयर करी थी, तो वो थोड़ी सी बची हुई है, बस ये मैं बना के रख दूँगी, फिर आम ख़राब हो जाएंगे, पापा एक्स्ट्रा ले आए थे। तो जी ऐसा हमारा आज का रूटीन रहा। अब फटाफट से इनकी तैयारी कर लेते हैं, फिर चाय पानी का टाइम हो जाएगा। चाय पानी सब कुछ करके करेले बना के फिर मैं जाऊंगी शॉप पे। बातें हमारी यहाँ पे नंद भाभी की पूरी चली रही हैं। अंश भी आके बैठ गया है। अंश ने शॉप खोली थी थोड़ी देर के लिए, बहुत ही थोड़ी देर के लिए, क्योंकि बुआ जी आई थी, तो वो भी जल्दी नहीं गया। और अब तो खैर दीदी रुकेंगी कुछ टाइम के लिए। तो चलिए जी, मैं जो है फटाफट से इनको कर लेती हूँ तैयार, कट करके। करेले भी मैंने बना दिए हैं, और दीदी ने देखा कि मैंने कैसे करेले बनाए हैं आपके साथ, तो मैंने शेयर पहले किया हुआ है। फ्राई करे पहले करेले, और फिर इसमें जो है मसाले वगैरह, प्याज फ्राई करा, फिर वही इसमें जो करेला डाल दिया, मसाले सारे मिक्स करके अच्छे से भून दिया, करेले हमारे रेडी हो गए। और दीदी बोल रही हैं कि मतलब मैं भी ऐसे ही बना के देखूँगी। सबका तरीका ना देखिए अलग होता है। और बस साथ साथ यहाँ पे चाय बन रही है। करेले तैयार कर दिए हैं, नींबू पानी बना दिया था, जिनको नींबू पानी चाहिए उनके लिए, और यहाँ पे अब मेरे लिए और दीदी के लिए बन रही है चाय। बन रही है नहीं, मतलब बन गई है, तो बैठ के दोनों नंद भाभी पियेंगे चाय और फिर शॉप पे जाने की तैयारी करेंगे। अब मैं आपसे सीधा मिल रही हूँ रात के टाइम पे। बीच में कुछ भी आज पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, रिकॉर्ड करना बिल्कुल दिमाग में आ ही नहीं रहा है। सब ही गए थे शॉप पे, तो फिर मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किया, कुछ कस्टमर कुछ सबके साथ बातें। अब रात का टाइम है खाने का, तो यहाँ पे कुछ तैयारी कर ही देता है, आप लोगों को पता है। तो बस मैं बना रही हूँ यहाँ पे राजमा, उसे मैंने थोड़े से मसाले खड़े डाल दिए हैं, तेजपत्ता है छोटे साइज़ के 2 मैंने डाल दिए हैं, और है बड़ी इलायची, हींग, और जाएगा अब इसमें जीरा। ऑयल गरम कर लिया था, वही सरसों का तेल में मैं तड़का लगाती हूँ हमेशा ही, उसको पहले मैं पका लेती हूँ, और फिर इसमें अनियन जो कि चॉपर में चॉप कर ली थी वो इसमें ऐड कर दी है साथ साथ ही, और बस इसको जो है भून लेना है गोल्डन सा कलर आने तक। राजमा ना बहुत टेस्टी लगता है, किस किस को राजमा टेस्टी लगता है
मुझे बहुत टेस्टी लगता है। मेरे घर में सबको टेस्टी लगता है राजमा, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है, बच्चों के पापा को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जी यहाँ पे मसाला प्याज हमारी भुन चुकी है, अभी मैंने इसमें डाल दिए हैं मसाले, रूटीन के मसाले हैं, नॉर्मल वही तीन मसाले रेगुलर ही ज़्यादा डालते हैं, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और रेड चिल्ली पाउडर। तो ये सब मैंने इसमें मिक्स किया और अब जाएगा इसमें टमाटर और हरी मिर्च का पेस्ट, इसको भी मैं इसमें मिक्स कर लूँगी। लहसुन मैंने आज ऐड नहीं करा है, ना ही कोई पेस्ट ऐड करा है, बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं प्याज के साथ ही बना रही हूँ। एक तो गर्मी इतनी ज़्यादा होनी शुरू हो गई है, बहुत ज़्यादा, तो लहसुन भी बहुत गर्म होता है, तो ना गर्मी में मैं अवॉइड ही करती हूँ, बहुत कम डालती हूँ। जिन चीज़ों में बिल्कुल काम ही नहीं चलता उनमें मैं लहसुन डालती हूँ, जैसे कढ़ी में तो बिल्कुल जाएगा ही जाएगा। तो इस तरीके से और बस यहाँ पर अच्छे से मिक्स किया और इसको जो है इसमें सॉल्ट डाल दिया टेस्ट के हिसाब से, छोड़ दिया उसको पकने के लिए। इधर राजमा ना बहुत अच्छे से बॉयल हो रखा है, ये देखिए राजमा हमारे ये छोटे वाला होता है, सॉफ्ट राजमा हो रखा है बहुत ही अच्छा। इधर मैंने चावल का पानी चढ़ा दिया है बॉयल होने के लिए और ये भीगे रखे हैं चावल। तो खाना बनाने में ना रात का बिल्कुल टाइम नहीं लगता अगर इतनी तैयारी पहले हो जाती है, जैसे चावल सिर्फ भिगा के रख ही देता है क्योंकि टाइम लगता है, फिर वो अच्छे से सॉक नहीं होते अगर आके मैं उनको भिगाती हूँ, मैं झटपट से फिर बना देती हूँ खाना। तो यहाँ पर मसाला हमारा अच्छे से भुन गया है, एक बार चला लेती हूँ, फिर इसमें मैं डाल रही हूँ राजमा मसाला और गरम मसाला, क्योंकि थोड़ा सा स्पाइसी मुझे बनाना है इसलिए मैंने गरम मसाला भी ऐड किया है, नहीं तो राजमा मसाला काफ़ी होता है या फिर गरम मसाला भी काफ़ी होता है, एक मसाले के साथ भी बहुत टेस्टी बनता है, लेकिन मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा मसाला यहाँ पर डाल दिया है। और बस अब मैं इसमें डाल दूँगी ये राजमा जो कि बॉयल रखा हुआ है, अब इसको अच्छे से कर लेती हूँ मिक्स। और राजमा ना हमारे यहाँ पे थोड़ा सा थिक ही बनता है, मतलब वो नहीं कि पानी अलग राजमा अलग, बहुत ही पतला पतला सा, वो अच्छा नहीं लगता है। इसको अच्छे से मिक्स करके मैं कवर करके छोड़ दूँगी पकने के लिए, बॉयल आने के लिए। गर्म पानी मैंने इसमें डाल दिया है जितना मुझे लग रहा था कि कमी है, फिर उससे ये है कि सब्ज़ी में ना दाल हो राजमा हो छोले उसमें झाग नहीं आते हैं, तो वो फिर ऐसे नहीं लगता कि इसमें कमी है, अभी ये बहुत जल्दी बन जाती है। ये देखिए ऑयल बिल्कुल साइड में सेपरेट हो गया है और एक जो बड़ी इलायची तेज़पत्ता इनका फ्लेवर बहुत अच्छे से इसमें आ गया है, तो ये ना मैं निकाल दूँगी, अभी खाने से पहले ही निकाल देती हूँ इस तरह के खड़े मसाले। इधर मेरे जो है चावल भी तैयार हो गए हैं, राजमा के साथ साथ चावल भी बन गए हैं, इतना ही टाइम चावल बनने में लगा और इतना ही राजमा बनने में लगा, ये देखिए। और बस अब मैंने लगा दी है ये प्लेट, बहुत ही टेस्टी राजमा मसाला बनके तैयार है। तो आ जाइए जो जो राजमा के फ़ैन हैं जल्दी से आ जाइए टेस्टी वाला राजमा खाने के लिए। और आज की वीडियो में आपको कुछ भी पसंद आया है ना तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। दीदी आई है, यूनिक सा ब्लॉग है, डिफरेंट सा है, पर ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई। नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ और चेंज आने वाला है, बहुत अच्छी सी वीडियो आपको मिलने वाली है। तो आज की वीडियो में इतना ही, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा व्लॉग आपको कैसा लगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नहीं किया है। अब मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।